फ्रॉम सर्गी टू चांद के दर्शन टू माई चांद के दर्शन भानु के दर्शन. दिस वन इज फ्रॉम काइली कॉस्मेटिक्स. ये बहुत प्यारा ब्लश है. एंड इतनी तेज बारिश हो रही है करवा चौथ वाले दिन और हम लोगों को पूजा के लिए जाना. I'm not sure we'll be able to see moon or not. Yeah. Okay, so हम लोग अभी ऐप खोल के खड़े हैं. हम होटल लोधी के इंडियन एक्सेंट रेस्टोरेंट के बाहर. Welcome to the Karwa Chauth special vlog. And इस vlog में मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ share करने वाली हूँ. मैंने करवा चौथ पे क्या पहना, कैसे celebrate किया, कौन सी मेहंदी लगवाई, makeup and all those details and fun, सब कुछ आपके साथ share करूँगी. So stay tuned till the end of the vlog for all the details. Okay, so अभी करवा चौथ को दो दिन हैं and हम लोगों ने अभी मेहंदी वाले भैया को अपने सलोन में बुलाया हुआ है. हम पहले ही मेहंदी लगवा रहे हैं because थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है. सो वी जस्ट वॉन्टेड टू गेट इट डन बिफोर. एंड बाहर जाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज सुबह ट्रेनिंग्स होती है एंड शाम को कुछ ना कुछ होता है. इंडिया इज़ ऑलवेज बिजी. इंडिया में कभी कोई गेट टुगेदर बिकॉज फेस्टिव सीजन इज़ अराउंड. फ्रेंड्स, फैमिली एंड काम, स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग्स, मेकअप, सब कुछ चला रहता है. बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का मज़ा इंडिया में कुछ अलग ही है. आई एम सो एक्साइटेड कि आई एम हेयर फॉर करवा चौथ. एंड मैं काफ़ी टाइम बाद एक्चुअली मेहंदी लगवा रही हूँ. आई होप मेहंदी का स्टेन, जो रंग होता है, वो अच्छे से आए बिकॉज मेरे पास सिर्फ 4 hours है मेहंदी को रचाने के लिए. बिकॉज हम शाम को अपनी पूरे टीम और स्टाफ के साथ जा रहे हैं बाहर. हम उनको बाहर लेके जा रहे हैं बिकॉज कल हमें होने वाले हैं पूरे 5 साल. इट्स अ 5th anniversary ऑफ साक्षी उर्वशी एज अ ब्रांड. एंड और वी आर सुपर एक्साइटेड. कल हम थोड़ी सी केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, ट्रेनिंग्स भी हैं. तो आज हम उनको ईव पे उनको बाहर लेके जा रहे हैं. एंड साक्षी इज़ हियर, शी इज़ गेटिंग हर मेहंदी डन. एंड आई विल ऑल्सो, यू नो, मैं आपको उससे मिलवाती भी हूँ अभी. एंड वंस अ मेहंदी इज़ डन देन मैं अपनी मेहंदी करवाऊँगी. एंड मेरा गला बहुत ख़राब हो चुका है यहाँ पर, बट यू नो, एक्साइटमेंट में चिल्ला चिल्ला के. बट एनी वे, स्टे ट्यून्ड बिकॉज मुझे नहीं पता मैं कौन सी मेहंदी लगवाने वाली. मुझे खुद मेहंदी लगानी आती है बट मैं लाइक एक ही हाथ पे लगा सकती हूँ और मेरे पास थोड़ा टाइम भी नहीं है इतना. तो लेट मी जस्ट लीव दैट पार्ट टू प्रोफेशनल्स. या आई एम सुपर एक्साइटेड. एंड आई हैव वन आउटफिट विच आई गॉट इट फ्रॉम लंडन ओली. पाकिस्तानी आउटफिट है, बहुत प्यारा सा. बस मुझे उसकी फिटिंग करानी है. आई होप मैं वो कल करवा पाऊँ. एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड. आई होप आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर कर पाऊँ जो कि मैं इस करवा चौथ पे करने वाली हूँ. फ्रॉम सर्गी टू चांद के दर्शन टू माई चांद के दर्शन भानु के दर्शन एंड ऑल दोज थिंग्स. सो स्टे ट्यून्ड. बट अभी मैं आपको मिलवाती हूँ साक्षी से जो कि बहुत आराम से बैठ के अपनी मेहंदी लगवा रही है. आर यू रेडी? Okay, Sakshi. Beautiful. Your mehndi is look done. At my mehndi. Wow, so pretty. Or dekho, I have so beautiful. I've got a heart done as well. AS. And Anjum ka naam acha AS. AS. Anjum and Sakshi. Yes. Beautiful. So are you ready? Aap bhi aaiye. Main aa rahi hu, meri baari. Bhaiya mera wait kar rahe hain. Set for karwa chauth. Yeah? Yes, okay. I'm very excited. चलो भैया आप लोगों की मेहंदी होगी. अभी होने वाला है ना? मैम अभी होएगा ना, बाद में होगा भी. तो आप करवा चौथ पे नहीं लगा रहे? नहीं नहीं मैम, नेक्स्ट. आपका सीन क्या है? लुधियाना जाना आपको मेहंदी लगानी है. आपका सीन क्या है? मेहंदी. सुनो, सिंगल विंगल आपको ना मैनिफेस्ट करना पड़ेगा. मैं पहले ही बोल रही थी, आप सोचो. ऐसे आप चाहते हो ना मिंगल होना बहुत टाइम से. आप ही चाहती है, शर्माती है. तो नेक्स्ट करवा चौथ पे हमें चाहिए प्रॉपर. ओके, चांद को देख के आप ठीक हो? ओके, सो आई एम गेटिंग माई मेहंदी डन. मेरी मेहंदी शुरू हो चुकी है एंड अभी तक से आई थिंक एक हाथ भी पूरा नहीं हुआ है. एंड साक्षी बहुत चिल करी. साक्षी आराम से बैठ के प्रॉपर. ओके, सो मेरी मेहंदी रच चुकी है. एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है, अभी करवा चौथ का दिन है. एंड करवा चौथ के दिन में आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हो और आप सर्गी खाते हो, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी उठी हुई हूँ. अभी आई थिंक 5:30 बज रहे हैं और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है. सो जिनको नहीं पता, वो ये उसमें ये होता है कि आप लोग दिन होने से पहले आपको एक सगन करना होता है बेसिक. एंड
यू ईट लाइक सरगी, जिसको आई थिंक जो आपकी मदर इन लॉ आपको देती है, मुझे भी कम नॉलेज है बट इतना पता है मुझे. एनी वे मी एंड माई मदर इन लॉ विल सिट एंड ईट अ लिटल बिट ऑफ फूड राइट नाउ. मैं जनरली बस सेवियाँ और फ्रूट्स लेती हूँ एंड चाय. मुझे सुबह सुबह खाने की ज़्यादा आदत नहीं है बिकॉज हम लोग वैसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं. एनी वे मैं अब चलती हूँ खाना खाने. अब मैं नेक्स्ट आपसे जब मिलूँगी मैं थोड़ी एनर्जी के साथ मिलूँगी, बट क्योंकि अभी मुझे बहुत मिला रही है. एंड इसके बाद आई विल इंसर्ट अ लिटिल क्लिप ऑफ अस ईटिंग द सरगी. हेलो मम्मी, मम्मी हेलो बोलो. हेलो. ये सब कुछ भादो ने बनाया हमारे लिए सुबह उठ के. अभी चार परांठे भी बन रहे हैं अभी, है ना? सही बात है, चार परांठे बन रहे हैं. मम्मी की 18 बन रहे हैं. मैंने देर रात के परांठे खाए, मुझे दोबारा से नहीं खाने. ब्लॉग देखा सब नहीं देखा तो क्लिक कर लो ऊपर ब्रांडेड वाले परांठे. हां एग्जैक्टली. नहीं नहीं मजाक कर रहे, तो हम लोग ये खाएंगे राइट. अभी हमेशा वैसे तो मम्मी बहुत कुछ बनाती हैं, परांठे और पता नहीं क्या क्या, पनीर की सब्जी, परांठे. हाँ नहीं मुझे, लेकिन मुझे सूट नहीं करता सुबह सुबह, गैस के इश्यूज हो जाते हैं सुबह सुबह. सरगी में यू कैन ऐड गैस की गोली. या यू शुड ऐड गैस की गोली बिकॉज़ आई एम नॉट यूज्ड टू ईटिंग दैट. तो आज हम लोगों ने बहुत सिंपल रखा है ऐसा, तो अभी हम लोग ये खाएंगे एंड मैं आपसे मिलती हूँ बाद में थोड़ी एनर्जी के साथ. सही बात है. मैं अभी जो शादी में होते हैं ना कैमरा मैन, सो खाते हुए वीडियो बनाते हैं, सो आई विल डू द सेम. सो आई विल वेट फॉर यू टू ईट. ओके सो अब है दोपहर में अराउंड 1:30 या 1 बज रहे हैं, ऐसे कुछ बज रहे हैं. और मैं आ गई हूँ अपने स्टूडियो पे टू गेट रेडी. एंड मैंने भानु को भी, भानु विल आल्सो बी जॉइनिंग मी इन लाइक 1 आवर. तो मुझे फटाफट मेकअप करना है एंड रेडी होना है एंड हमें पूजा के लिए जाना है घर पे. एंड मैं अभी गेटिंग रेडी क्लिप्स आपको कुछ दिखाऊंगी बीच में. पहले मैं सोची थी कि मैं एक अलग ही ट्यूटोरियल बनाऊं करवा चौथ का, करवा चौथ के मेकअप का, पर आई थिंक वो मेरे पास टाइम बहुत कम है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो मैं इसी में ही एक थोड़ी सी क्लिप डाल दूंगी ऑफ मी गेटिंग रेडी. वेट फॉर माई फाइनल लुक, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि मैं कैसी लगने वाली हूँ. एनीवे मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है और मैं थोड़ी सी, मुझे अपनी तबीयत थोड़ी सी ऑफ लग रही है लिटिल बिट. नॉट बिकॉज ऑफ कि मैंने पानी नहीं पिया है, खाना नहीं खाया, क्योंकि मैं बहुत यूज्ड हूँ इन सब चीज़ों के लिए एज आई डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट जस्ट जनरली. एनी वे आई एम इन हाई स्पिरिट्स ऑफ करवा चौथ फेस्टिवल एंड फेस्टिवल सीजन. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग रेडी. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ भानु इज़ ऑल्सो हेयर विद मी, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई वर्क कभी कभी हम लोग साथ में नहीं हो पाते हर एक ओकेजन या हर एक फेस्टिवल्स पे. बट या दिस थिंग दिस टाइम इट्स इट्स गुड. सो या अभी मैं जाती हूँ ऊपर एंड आई विल बी गेटिंग रेडी रियली रियली क्विकली. एंड या okay, so I'm wearing like a nude kind of color outfit, like a very pastel nudish tone, not pastel, nude color, gold kind of. So iske sath I'm going to give like a peachish kind of theme. So I'm using this beautiful blusher. This one is from Kylie Cosmetics. Ye bahut pyara blush hai. Iska shade number hai 212 and you can see like it's super pigmented and looks really pretty in person bhi aur camera mein bhi. And I think it is one of those colors jo ki kafi skin tones ko complement karta hai. So smile and just apply the blusher. स्टार्टिंग में आई लाइक टू अप्लाई अ बिट मोर बिकॉज बाई द एंड थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाता है एंड यू ऑल्सो काइंड ऑफ अप्लाई हाई लाइटर. प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई आवाज़.
मैं किसी को बोल भी नहीं सकती मुझे एक गर्म कॉफ़ी ला के दे दो या गर्म पानी ला के दे दो बिकॉज ऑब्वियसली आई एम फास्टिंग. सो या सो स्टार्टिंग में आई लाइक टू अप्लाई मोर. एक और टिप जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो अपना मेकअप ब्लेंड करने के लिए, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी अजीब आ रही है, बट आप उसी स्पंज को यूज़ करो, लाइक नॉट नई स्पंज नहीं या फिर ड्राई भी नहीं, जो सेम जो आपकी डैम्प स्पंज थी, थोड़ा वो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करके नॉर्मल हो जाती है, उसको यूज़ करो जस्ट काइंड ऑफ यू नो इन योर अंडर आई एरियाज. उससे क्या होता है कि जो भी आपकी लाइन्स हो रही होती हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो डिपॉजिट हो रहा होता है, दैट काइंड ऑफ सेटल्स डाउन और यू नो मर्जेस आउट वेल. सो अंडर आईज पे एंड लाफिंग लाइन्स पे, सो समथिंग लाइक दिस, फोरहेड पे. ओके सो मैंने क्विकली मेकअप कर लिया अपना. आई एम नॉट श्योर कि मैं न्यूड लिपस्टिक लगाऊं या डार्क लिपस्टिक लगाऊं. सो लेट मी वेयर माय आउटफिट एंड शो यू द लुक. अभी आई हैव टू गेट माय हेयर स्टाइल डन. सो लेट्स डिसाइड वंस आई एम डन विद द हेयर स्टाइल एंड लेट मी वेयर माय आउटफिट फर्स्ट. अदरवाइज या आई थिंक लैशेस थोड़ी हैवी है, मैंने एक्सटेंशंस को रीफिल नहीं कराया तो मुझे थोड़ा सा वो हैवी हैवी लग रहा है, बट लेट्स सी द फाइनल लुक. ओके सो फाइनली आई एम रेडी. आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट माई लिपस्टिक. मैंने अपने पूरे स्टाफ से पूछा, आई थिंक एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ कि मुझे रेड लिपस्टिक लगानी चाहिए, तो मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ, बट मैंने रेड का कॉन्ट्रास्ट दिया अपनी बैंगल्स से और बिंदी से एंड संदूर तो ऑब्वियसली. सो आई माई चेंज टू रेड लिपस्टिक. एनी वे दिस इज द आउटफिट आई एम वेयरिंग. दिस इज लाइक अ पेपलम शर्ट एंड यू कैन सी इट न्यूट कलर आउटफिट एंड साथ में घरारा है जिसके पीछे ट्रेल है. एंड या आई बॉट इट लाइक 2 months अगो आई थिंक, या 1.5 महीने पहले एटलीस्ट जितना मुझे याद है. एंड या सो भानु इज ऑल्सो हियर एंड लेट मी गो एंड मीट हिम. हाँ जी कैसे हो? बढ़िया. आते ही आई वाज लाइक यू नो आई नीड टू गेट सम कॉफी. So after doing the first thing, which is hugging you, I just got some coffee. Aww. Yeah. And even I want that coffee, but I can't have. I'm literally energy less. I can't even tell you. I'm literally no energy. Yeah. But anyway, main kaisi lag rahi hu? Very beautiful. I mean, have really? You shown them already? I've shown them a little clip. So they will agree with me that you're probably the most beautiful ever. I've done different hairstyle. Yes. And mujhe lipstick ka shaun nahi, to main bhi dekhti hu. मैं रेड लिपस्टिक लगाऊं या न्यूड लिपस्टिक लगाऊं? आई थिंक न्यूड इज लुकिंग नाइस, बट यू कैन ट्राई रेड इफ यू वांट टू. बट आई पर्सनली थिंक यू कैन ट्राई, बट आई थिंक दिस इज लुकिंग वेरी प्रीटी ऑन यू. ओके ओके सो अभी हम लोगों का प्लान ये है कि हम लोग थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करेंगे. मैंने भानु को मुझे रील बनवानी है, तो लेट्स सी अगर वो हो पाती नहीं हो पाती. आई एम लिटरली एनर्जी लेस, मतलब मुझे इतना भूख वूख कुछ नहीं लग रही, बट मुझे पानी पीने की बहुत आदत है. आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, लाइक आराम से पता नहीं कितने लीटर्स में पानी पीती हूँ. तो मुझे बस हाँ, और प्लस सुबह से ना कॉफ़ी ना कुछ, तो मुझे उस वजह से थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी लग रहा है, बट ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. लाइक इट्स स्टिल फन, इट्स लाइक मज़ा आ रहा है. एनी वे शाम का सीन ये है कि भानु ने एक बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट बुक करा है, इसका मुझे नाम भी नहीं पता. क्या नाम है? It's Indian accent. I mean, it's not special. Special. It's just one of the restaurants I wanted to go for the last 2 years. Exactly. Two chances are there. I think main wahan se, you know, I've been trying to go over there, but nahi ho paya. Nahi ho paya. So 2 years se hi, like hum like plan banta nahi banta, kabhi booking nahi milti wahan pe. Yeah. Naam hai Indian accent, and it's been rated I think number one on TripAdvisor as like number one restaurant in India. Indian restaurant. Yeah. तो फिर तो जाना बनता है. But yeah, let's see. हम घर पे नहीं मंगा सकते खाना. जाने में टाइम लगेगा, फिर आने में. Anyway, I'll drive you. तो जनरली नॉर्मली क्या होता है कि भानु यहाँ पे करवा चौथ पे कभी कभी होता है, तो मैं और मेरे इन लॉज होते हैं, तो हम तीनों हमेशा जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने. एंड बट इस बारी बिकॉज पापा को चोट लगी हुई है, तो ही इज़ ऑन बेड रेस्ट एंड मम्मी इज़ लाइक कि उनको भी घर पे रहना है, बिकॉज समबडी नीड्स टू बी देयर विद पापा. तो वो लोग नहीं जा पाएंगे हमारे साथ. एंड दे वॉन्ट टू हैव अ लाइक क्या बोलते हैं उसको, टेक अवे डिनर.
और दे वांट टू ऑर्डर इन तो हम लोगों को बोल रहे थे मम्मी को के साथ में चलो बट आई थिंक वही उनको पापा के साथ रहना है बट हम लोग भी बस दे वांट या अभी हम बट हम लोग भी घर पे मतलब चेंज नहीं हो सकता लाइक यू नो हो सकता है इफ यू रियली वांट टू बट I mean that's one of the restaurants, and I have my flight tomorrow, so you know. Ah, he's a flight tomorrow. Special Indian food tonight. I know. No, I'm always ready to go out, but let's see if you're too tired tonight. Then no, I'm really I'm excited to go. Yeah. कि I wanna try कि इतनी तारीफ कर रहा है जिस restaurant की वो है क्या तो चल देखते हैं देखते हैं क्योंकि मैं भी कभी गया नहीं so you know I'm actually looking forward to it so let's see. Okay. हम खाने की clips डाल देंगे ताकि आपको भूख लगे full. तो आप लोग भी फिर इंडियन एक्सेंट जो रेस्टोरेंट है वो ज़रूर जाना बट उसका खाना अच्छा है या कैसा है वो हम आपको बताएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द व्लॉग तो आप लोग बने रहना टुवर्ड्स द नहीं हो सकता इफ आई डोंट किस यू या या दैट इज लाइक अनएक्सपेक्टेड किसेस आती हैं बट एनीवे आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिम आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू कम ऑन थोड़ी एनर्जी कम है बट yeah. कोई बात नहीं Sharda with us. It's your first Karva Chauth, right? Yeah. Happy Karva Chauth first Thank of all. Thank you. And you're looking so pretty, so beautiful. Okay, so अभी मैं कार में हूँ एंड इतनी तेज बारिश हो रही है करवा चौथ वाले दिन हम लोगों को पूजा के लिए जाना है वी जस्ट वेटिंग फॉर मम्मी टू कम डाउन स्टेयर्स ताकि हम लोग साथ में जाके पूजा कर सके करवा चौथ की बड़ा नॉट श्योर कि हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे अभी भानु इज़ गॉन टू गेट हर आई हैव नेवर सीन दिस क्रेजी रेन ऑन करवा चौथ एक्साइटिंग डिफरेंट सो इट्स बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड एज़ यू कैन सी हम मंदिर आए अभी एंड आफ्टर दिस ब्रॉट उर्वशी एंड मम्मी टू द मंदिर एंड आई शो यू मेरी पूरी शर्ट गीली हो चुकी है हाय गर्ल रेडी हो फाइनली फाइनली भी है ये दोनों बच गए क्योंकि वो अम्ब्रेला मैं लेके आया इनको अंदर एंड देन आई एम लाइक फुली वेट मैं तो पूरा गीला हो चुका हूँ लिटरली ओके सो अब हम लोग घर आ चुके हैं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है आई थिंक पहली बार करवा चौथ पे ऐसी बारिश हुई है मैंने पहली बार देखी मेरी पूरी शर्ट गीली हो गई थी व्हेन आई वाज गेटिंग माय मॉम एंड हर इनटू द टेंपल इट वाज क्वाइट टफ बट थैंक यू सो मच शी वाज हियर बिकॉज़ आई थिंक पहली बार यू आर हियर सेकंड टाइम एंड हम पहली बार ऐसे साथ में मंदिर गए हैं अदरवाइज हम दोनों तो पागल हो जाते हैं मेरा मम्मी तो पागल हो जाती है मेरी तो ट्रेल है कपड़ों में एनी वे नाउ वी आर वेटिंग फॉर द मून जो कि आई थिंक नाउ द एक्चुअल यू नो द वेटिंग पीरियड स्टार्ट्स कि हम चांद को कब देखेंगे और कब हम खाएंगे पिएंगे बट बारिश हो रही है बाहर इट्स वेरी क्लाउडी आउटसाइड इट्स रेनिंग आई एम नॉट श्योर वी विल बी एबल टू सी मून और नॉट आई मीन द होल थिंग इज क्वाइट यू नो आई एम क्यूरियस अबाउट द होल थिंग
कि मतलब ये इसका मतलब वगैरह क्या होता है करवा चौथ का. एंड आई नो लाइक व्हाई वाइव्स यूजुअली यू नो डू इट फॉर द हस्बैंड्स. But I think लंबी उम्र के लिए, लंबी उम्र एंड ऑल दैट. इन डेप्थ वाला हमें, इन डेप्थ वाला आई डोंट नो. ओके, मेबी वी शुड आस्क मॉम. या वी शुड आस्क मॉम. हम मम्मी से पूछते हैं कि ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं और आप लोगों की भी नॉलेज बढ़ाते हैं. मम्मी आप, मम्मी ही बैठी है तो हम मम्मी को पकड़ लेते हैं. इससे पहले मम्मी भागें. ओके, अब हम आराम से बैठ सकते हैं. तो हाय बोलो पहले आप, अच्छे से हाय बोलो. हाय, हैप्पी करवा चौथ. हैप्पी करवा चौथ, एग्जैक्टली. तो आप बताओ क्यों क्यों करते हैं सेलिब्रेट. लाइक हमें इतना, हमें मोटा मोटा पता ना कि कैसे क्या लॉजिक क्या होता है. हमारे बड़े रखते हैं तो हम भी रखते हैं. हाँ एग्जैक्टली. और लंबी उम्र के लिए होता है, तंदुरुस्ती के लिए, घर में सुख शांति के लिए, और बस पति की तरक्की के लिए. वही पुरानी कथाएं हैं कि सावित्री और सत्यवान की कथा है. उसमें सत्यवान को ले जाने जब यमराज आए तो सावित्री ने भूखे प्यासे रह के उनके उनको उनके प्राण की रक्षा करने के लिए भूखे प्यासे विलाप किया. उससे यमराज ने उन्हें वरदान दिया था. अच्छी बात है ना, पता पता चलना चाहिए ना. हाँ, पुरानी कथा ही है वही, इसीलिए रखे जाते हैं. और बस मैंने जस्ट अभी पीछे गूगल करा है तो करवा चौथ का मतलब क्या होता है. आई जस्ट फिगर इट आउट इन गूगल. गूगल सेज कि करवा चौथ इज ब्रोकन डाउन इन टू वर्ड्स, करवा एंड चौथ. करवा मींस इट्स अ पॉट ऑफ वाटर, ठीक है, अर्थ इन पॉट. एंड देन चौथ मींस द फैक्ट दैट दिस इज celebrated on the fourth day after the full purnima in the month of kartik. Yeah, so karwa chauth, that's why. Ha, mujhe bhi itna pata hai. google wali information hai sari, all google se zyada. Na, but mummy do wali hai. नहीं, मम्मी वाली इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट. हाँ सही बात है, सही बात है. कोई नहीं, अब हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं. मैंने तो अपना हेयर स्टाइल सब चेंज कर दिया है. मेरा तो वो लैशेज उतार दिए, ये भी उतारे थे अभी मैंने पहने हैं सारा मेकअप सब, और थक गए यार. मतलब इतनी आदत नहीं है ना, इतना हैवी लैशेज उन चीज़ों की. एनी वे, अब हम वेट करते हैं चांद का, ठीक है. और चांद नहीं निकला तो फिर हम कुछ जुगाड़ करेंगे. फिर क्या करेंगे हम, शिव जी के मस्तक पर चांद होता है ना, उसके दर्शन करके भोग लगा के उनको. क्योंकि एक बार हमारे साथ यूके में ऐसा हुआ था, यहाँ पे क्लाउडी था बहुत ज्यादा, तो हमने देखा यूट्यूब में देख के लाइव चांद को देख के गया था. बिकॉज वहाँ पर ऐसा मौसम होता है जो आज इंडिया में है अपेरेंटली. बट हम यूके वाला मौसम ले आए. आई रिमेंबर दैट नाइट कि हम रात को 11 बजे तक वेट कर रहे थे, लाइक द मून वाज नॉट विजिबल. या एग्जैक्टली, वी हैड टू ड्राइव. आई रिमेंबर टू लाइक सम वियर्ड प्लेसेस टू गेट दैट व्यू. बट हम ब्रिज पे गए थे, पता नहीं कहां का. एग्जैक्टली. पर एनीवे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड उसके बाद हम बहुत सारा खाना खाएंगे. ठूसेंगे आज, ठूसेंगे. ओके, सो अभी चंदा महाराज, चंदा मामा नहीं आ रहे, सो गए. नहीं, बिकॉज बहुत क्लाउडी है यहाँ पे, तो आई थिंक न्यूज़ में बहुत आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बादल है, तो चांद निकल चुका है शायद. yes. लेकिन दिख नहीं रहा है, ओवरकास्ट. हाँ, ये सेम चीज़ हमें यूके में होती है हमेशा. अगर वहाँ पे मैंने दो तीन बार ही सेलिब्रेट की यहाँ पे करवा चौथ, सेम चीज़ होती है. तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं, लाइक मम्मी भी यही बोल रही है कि एक तो उन्होंने बोला कि शिव जी को देख के उनके यहाँ पे चांद होता है, उनके दर्शन करके आई कैन देन लाइक भानु को देख के आई कैन ब्रेक माई फास्ट. एंड देन दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, हमने यूट्यूब पे लाइव लगा दी जहाँ जिस सिटी में चांद निकला हम वो देख सकते हैं. यस, एंड देन वी कैन ब्रेक द फास्ट. बट हम लोगों को कहीं जाना है डिनर पे, तो मैं एक घंटा फिर भी वेट करूंगी. अगर रस्ते में मुझे सच में दर्शन हो गए तो मैं तब पानी पीऊंगी. मैं अभी पानी नहीं पी रही, बट मैं पूजा भी कर रही हूँ पूरी. यस, ओके, कूल. चलो अभी आई एम गोना वेयर दिस पायल. तो ये पायल एक पैर पे पहननी होती है ना, एंड देन उसको फास्ट को ब्रेक करना, राइट पैर पे, राइट. हम लोग अभी ऐप खोल के खड़े हैं. हम होटल लोधी के इंडियन एक्सेंट रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे हमने बुकिंग कराई हुई है. एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. मून, आप मून को देख सकते हो यहाँ पे. दैट्स द मून बेसिकली. दैट्स द डायरेक्शन. एंड मैंने घर पे सारी पूजा कर ली है, सो आई वॉज होपिंग कि मुझे रियल मून दिख जाता, बट आई थिंक इट्स टू लेट. आई थिंक अराउंड 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, राइट. यस, सो लेट्स डू इट. सो या, okay, so this is after my life, palace is open. Exactly, but yeah, that's the moon for you. Okay, let's start. That's another moon.
सो हम बहुत ही पॉश जगह पे डिनर कर रहे हैं एंड अभी बहुत ही क्यूट सा एक प्रेशर कुकर हमें मिला है. दिस इज आफ्टर स्टार्टर्स टू क्लेंज द पैलेट फॉर डिनर टू क्लेंज आवर पैलेट एंड आई हैव नेवर डन दैट बिफोर. सो आइस कॉफी आई एक्चुअली थॉट टू डिजर्ट ही आई बट इट्स अ ग्रेट प्लेस एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड आई होप यू गाइज लव्ड द व्लॉग. हम लोग अभी बहुत खाने वाले हैं यहाँ पे. Absolutely. Then we'll be signing off. Thank you so much. Don't forget to subscribe, like, and all of the things. And do shower your love.